हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद अभियान के तहत युवा कांग्रेस के द्वारा हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर के घर समीरपुर में घर का घेराव पुलिस ने नहीं करने दिया। सांसद के घर पर घेराव करने की सूचना पर समीरपुर में धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिसके चलते समीरपुर से 5 किलोमीटर दूर झनिकर जगह पर पुलिस ने छावनी बनाई थी। झनिकर के पास युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 3 बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़े, जिसे रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और सांसद के घर तक कार्यकर्ताओं को नहीं पहुंचने दिया। बता दें कि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश ठाकुर और प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक राणा की अगुवाई में पहुंचे झनिकर के पास सैकड़ों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काफिले को रुकवाया गया तो कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए झनिकर का रुख किया, जहां पर भी पुलिस ने बैरिकेड लगाए लेकिन युवाओं को रोक नहीं सके और इस दौरान करीब 1 घंटे तक पुलिस और युवाओं में धक्का मुक्की होती रही, जिसमें कुछ एक युवाओं और पुलिस कर्मियों को चोटें भी पहुंची हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राणा ने कहा कि आज हमीरपुर के अंदर काला दिवस के तौर पर मनाया गया है, क्योंकि दो दो जगह पर धारा 144 लागू की गई है और युवाओं को अपने प्रदर्शन करने से रोका गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की लड़ाई पुलिस से नहीं बल्कि भाजपा से है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे और सांसद से जवाब लोकसभा चुनावों तक मांगा जाएगा। आज काला दिवस है हमीरपुर के अंदर, दो दो जगह 144 धारा लगा दी गई और आज यहाँ का आम युवा सांसद के पास जवाब मांगने जा रहा है, तो यहाँ का प्रशासन सरकार के इशारे पर हम सबको हिरासत में लेकर जा रहा है। आज का दिन यहाँ में प्रजातंत्र में काला दिवस के दिन याद रखा जाएगा। हमारी दुश्मन पुलिस वालों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई विचारधारा की है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये लड़ाई अंत समय तक लड़ते रहेंगे। चूर चूर हो जाएगा, हम अपनी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे और संसद से जवाब हर दोष मांगेंगे, 2019 के चुनाव तक मांगेंगे। वहीं एएसपी बलवीर सिंह ने कहा कि समीरपुर में सांसद के घर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया गया है। उन्होंने बताया कि धारा 144 लागू होने के कारण कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया गया है। उन्होंने बताया कि धारा 144 के तहत कुछ देर तक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बाद में युवाओं को शांत करवा दिया गया। इसमें जो कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था, खासकर युवा कांग्रेस का, तो इसमें क्योंकि इन्होंने माननीय सांसद के घेराव के पहले कॉल दिए थे, तो यहाँ पे क्योंकि धारा 144 इम्पोज की गई थी तो इसका किसी को भी उल्लंघन नहीं करने दिया। इन्होंने अपना यहीं पे जो भी एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट करना था वो यहीं पे किया, इसके आगे इनको जाने नहीं दिया। और जिस भी दायरे में धारा 144 इम्पोज करी थी उसमें उसका कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया और इन्होंने थोड़ी देर अपनी बातें रखी, यहाँ से वापिस हो गया। इसमें इनको आगे नहीं जाने दिया, इनको थोड़ा बहुत समझा के और इनको बता के चीज़ों को मैनेज कर लिया गया और ये हमारी बात मान गए। इन्होंने अपनी जो बात रखनी थी वो कार्यकर्ताओं के सामने रखी, इनके जो भी युवा नेता थे, और उसके बाद इस लोग यहाँ से चले गए, दैट्स ऑल। वहीं झनिक्कर के पास युवाओं के काफिलों को रोकने पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुनीश ठाकुर ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार ने धारा 144 लागू करके ठीक नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इशारे पर युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि 2019 में पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे प्रदेश के अंदर चारों सीटें कांग्रेस की झोली में आएगी।